let's start. Which of the following is grammatically incorrect? हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ओके, सो देखते हैं. राइट इन इंक, सही है, ठीक लिखा है. ही थ्रू द स्टिक इन टू द रिवर, सही है ये भी. ही बेंट नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास गया, ये भी सही है. ही वॉज फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विद हिज फ्रेंड आके यहाँ पे क्या लगाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लगाएंगे अमंग हिज फ्रेंड्स. ही वॉज फेवरेट अमंग हिज फ्रेंड्स. ओके, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही हो गया, यही हमारा क्या हुआ, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट, राहुल सेड कम हेयर. ओके, राहुल ने कहा यहाँ, तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, राहुल कॉल्ड मी, राहुल ने मुझे बुलाया ना. यू नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या देखते हैं, मतलब ऑर्डर्ड मी गो देयर, राहुल एडवाइज मी टू गो देयर, इन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा यहाँ पे, मतलब कहना तो ये चाह रहा है ना कि राहुल ने मुझे बुलाया, राहुल सेड कम हेयर, तो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, राहुल कॉल्ड मी. तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एग्रीकल्चर जो है रोज लाइक ए फिनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हरित क्रांति की वजह से वो कैसा उठा, लाइक ए फिनिक्स. तो क्या हुआ आंसर इसका, क्या हो जाएगा, विद ए न्यू लाइफ, यू नो जैसे किसी चीज़ में एक नया शुरुआत हुई, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एग्रीकल्चर कैसे मतलब उठा, लाइक ए फिनिक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बस 50 पैसेंजर, यू नो बस में क्या थे, 50 पैसेंजर थे, फेल द रिवर, तो द बस विद 50 पैसेंजर इनटू द रिवर, यू नो 50 पैसेंजर के साथ वो कहाँ गिर गई, रिवर में गिर गई, यू नो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इनटू लगाएंगे, फेल इनटू द रिवर. ओके, ये दैट मच ही हैज़ डन, ये मेरी पहले वाली वीडियो का, प्रीवियस वीडियो का रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं. मच किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, मच बात कर रहा है डन की, यू नो, और डन क्या है, वर्ब, तो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है मच, मच यानी कि एडजेक्टिव, और मच की बात कौन कर रहा है, दैट, मच डन वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी कौन बता रहा है, मच, मच यानी कि एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी कौन बता रहा है, दूसरा एडवर्ब यानी कि दैट. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, दैट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा. ओके, तो हम कहाँ पे जाएंगे, एडवर्ब पे जाएंगे. ओके, नेक्स्ट. यू वर एब्सेंट बिकॉज यू वर इल, हमें ये बताना है इसमें कौन सी क्लॉज है, तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम एब्सेंट थे बिकॉज तुम बीमार थे. ओके, तुम इल थे, तो किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली एब्सेंट की बात हो रही है. एब्सेंट क्या है यहाँ पे, एब्सेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या उन्हें बता रहा है, ये बता रहा है यू वर इल, तो क्या हो गया यहाँ पे, यू वर इल क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज हो गया. ओके, तो यहाँ हम किस पे जाएंगे, एडवर्ब क्लॉज पे जाएंगे. ओके, नेक्स्ट. एन एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल, जो एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल होगा विल ट्राई टू हिज फैकल्टी, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा अपनी फैकल्टी को क्या करने की, ब्रिंग राउंड, यू नो ब्रिंग राउंड क्या होता है, किसी को क्या करना, मतलब कन्विंस करना, जो एक अनुभवी प्रिंसिपल होगा ना वो अपनी फैकल्टी को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, यू नो परसुएट समवन टू एग्री टू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को परसुएट करना. ओके, तो इस सेंस में हम ब्रिंग राउंड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, नेक्स्ट. फाइंड द रॉन्ग मैच, हमें बताना है, देखो स्लाई स्ली स्लेन, सही है ये, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, विन वोन वून, ये भी ठीक है. रिंग रिंग की होती है रिंग, रंग रंग, रैंड रैंड मीन्स क्या होता है, किसी को चीरना, यू नो, तो इसकी ये नहीं होती रैंडेड रैंडेड. ओके, इसकी होती है रेंट रेंट, आर ई एन टी आर ई एन टी, रेंट रेंट हो जाएगी इसकी. ओके, तो हमारा ऑप्शन ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. ही अवे फ्रॉम स्कूल सिंस अगस्त लास्ट, यू नो वो स्कूल से दूर है सिंस अगस्त लास्ट, यू नो
लास्ट अगस्त की बात चल रही है, यानी कि अगस्त से लेके अब तक, है ना, सिंस अगस्त लास्ट बोला ना उसने, तो अगस्त से लेके अब तक वो क्या है, स्कूल से अवे रहा, दूर रहा। तो जन की बात हो गई, अगस्त से लेके अब तक यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। ओके, हैविंग स्पेंट हर चाइल्डहुड इन बॉम्बे, सी हैज़ डेवलप्ड हर एबिलिटी टू कन्वर्स, मतलब उसने उसका जो चाइल्डहुड बॉम्बे में उसने स्पेंड किया, तो उसने डेवलप कर ली एबिलिटी अपनी टू कन्वर्स, यू नो, वार्तालाप, कन्वर्सेशन बोलते हैं ना, बात करने की, इन मराठी रैदर गुड। जो रैदर होता है ना उसको थोड़ा नेगेटिव सेंस में लगाते हैं, तो यहाँ पर रैदर ना लगा के यहाँ पर लगाएंगे फेयरली वेल, यू नो, अच्छे से उसने ये हैबिट डेवलप कर ली। ओके, द स्ट्रेंजर्स वर हीडिंग इन टू ए सीरियस डिसास्टर, हमें बताना है यहाँ पे ये जो प्रिपोजिशन लगी है ठीक लगी है नहीं लगी है। तो जो स्ट्रेंजर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वर हीडिंग फॉर, यू नो, हीडिंग फॉर ए सीरियस डिसास्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। ओके, नेक्स्ट, ही फ्लीड फ्रॉम द कंट्री, मतलब वो देश से भाग गया, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही शुड बी अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया जाए फॉर हिज मिसडीड, उसकी गलत कार्यों के लिए। तो फ्रॉम की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे प्रिपोजिशन की, इसको ऐसे लगाएंगे, ही फ्लीड द कंट्री, तो वो क्या हो गया, देश से भाग गया, यू नो, ही फ्लेड द कंट्री। ओके, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है एज टू वॉट द चेंज इन हिज एटीट्यूड, यू नो, वॉट, अब हमें यहाँ पे सही फ्रेजल वर्ब फिल करना है, तो वॉट ब्राउट अबाउट, क्या चेंज लाया उसके एटीट्यूड में, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, यू नो, ब्राउट अबाउट, यू नो, जब कुछ किसी चीज़ के लिए टू काउच समथिंग टू हैपन, यू नो, तो मुझे आइडिया नहीं है कि उसके एटीट्यूड में जो चेंज आया वो वॉट ब्राउट अबाउट, किस वजह से आया, क्या लेके आया उसमें एटीट्यूड में चेंज। ओके, ही लेफ्ट यस्टरडे, वो कल चला गया, एंड आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, हमें बताना है यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच सिंस की, तो आप बताओ आप सिंस किसकी बात कर रहा है, सिंस बात कर रहा है सीन की, यू नो, सीन क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, प्रदीप फेस स्पोक ऑफ द हैप्पीनेस ही वाज फीलिंग, तो प्रदीप का जो चेहरा है ना उस पर जो स्पीक है, मतलब जो स्पोक वो बोला, वॉल्यूम्स ऑफ हैप्पीनेस, यू नो, ही वाज फीलिंग, जो वो फील कर रहा था तो उसके चेहरे पे दिखाई दी साफ साफ, मतलब पता चल रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम्स लगाएंगे। ओके, द बिटनेस विल, यू नो, ये जो सेंस है ना ये तभी डेवलप होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम आएगा या एलिगेंटली आएगा, जब हम डेली की रीडिंग करेंगे, डेली 4 से 5 पेज रीडिंग करेंगे, हमारा सेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा, हम 80% क्वेश्चन अपने सेंस के बेस पे कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, द विटनेस विल व्हाट आई हैव सेड, विटनेस क्या करेगा, जो विटनेस है वो क्या करेगा, जो मैंने कहा है ना व्हाट आई हैव सेड, उसके साथ क्या करेगा, बियर आउट, बियर आउट मतलब कोरबरेट, यू नो, वो उसमें क्या करेगा, कोरबरेट करेगा जो भी मैंने कहा है वो गवाह। ओके, द वेदर पैटर्न्स ऑफ द ट्रॉपिकल आइलैंड मेंट टूरिस्ट हैड टू कैरी, जो वेदर का पैटर्न है ना ट्रॉपिकल आइलैंड के, उसमें जो है टूरिस्ट को ले जाना है, हैड टू कैरी बोथ अम्ब्रेला एंड सनग्लासेस, यू नो, बारिश भी हो सकती है और धूप भी हो सकती है, सनग्लासेस भी ले जाने, तो अब कैसे जो ये वेदर का पैटर्न है वो तो कैसे पता चला, तो क्या हो, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, जो वो होता है ना कैलिडोस्कोपिक, यू नो, वो वेदर का पैटर्न, उससे पता चला हमें। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, द मोस्ट इनकरेजिंग फैक्ट इज़ दैट, जो सबसे ज़्यादा इनकरेज फैक्ट है ना, चेंज इज स्प्रेडिंग, जो स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री, यू नो, पूरे एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहा है, टू कवर ए पर्टिकुलर एरिया, तो वो क्या कर रहा है, जो मोस्ट इनकरेजिंग फैक्ट है, जो चेंज है वो क्या कर रहा है, स्प्रेडिंग अक्रॉस, वो फैल रहा है देश में, एंड रीचिंग, और वो पहुँच रहा है विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे गाँव और कस्बे तक पहुँच रहा है। ओके, यहाँ पे हमें करेक्ट वन फाइंड आउट करना है, द टीचर हैज़ टोट अस द अल्फ़ाबेट, यू नो, दोनों सेंटेंस सेम है, यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो जो अल्फ़ाबेट होता है इसका मतलब होता है ए टू
जेड, यू नो अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया ए से लेके जेड तक, और जो ये अल्फ़ाबेट्स है इसका मतलब होता है मैनी लैंग्वेजेस। तो टीचर हमें क्या करेंगे, टीचर हमें अल्फ़ाबेट ही सिखाते हैं ओबियसली, तो हम इस पर जाएंगे। द टीचर हैज़ टोट अस द अल्फ़ाबेट, ओके। टीचर हमें मैनी लैंग्वेज, यू नो टीचर को भी नहीं आएंगी बहुत सारी भाषाएं, तो मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम इस पे जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पे। टीचर हैज़ टोट अस अल्फ़ाबेट, टीचर ने हमें क्या सिखाया, क्या सिखाया है, अल्फ़ाबेट सिखाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फैमिलीज वर, यू नो हम यहाँ से एक वोकैब का मीनिंग सीखेंगे और जो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। लॉन्ग टर्म तक क्यों याद रहेगा, क्योंकि हमने उसको सेंटेंस के थ्रू सीखा है। जो 20 फैमिलीज हैं ओल्ड बिल्डिंग से वो क्या हो रही है, इवैक्यूएट हो रही है। इवैक्यूएट किसको बोलते हैं, खाली, यू नो 20 फैमिली खाली कर रही है ओल्ड बिल्डिंग को बिफोर द मानसून, मानसून से पहले, ओके। इन आर मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटी में जो कंट्रास्ट है बिटवीन द हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और स्लम, स्लम एरिया, यू नो स्लम एरिया तो आपको पता ही है बिहाइंड इच, ये सब क्या है, यू नो एक अपीलिंग है, यू नो अपीलिंग थोड़ा सा जब हम किसी बैड वे में सोक्ड होते हैं ना तब लगाते हैं। तो मेट्रो सिटी में क्या हो रहा है, एक अंतर बढ़ रहा है, किसके बीच में अंतर है, एक तो हाई राइज बिल्डिंग, एक तो बहुत जो बड़े लोग हैं यू नो जिनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और एक क्या है, एक स्लम एरिया है, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, वो जो अंतर है वो क्या कर रहा है, शोक्ड कर रहा है, यू नो तो उसमें यहाँ पे क्या जाएगा, अपीलिंग आ जाएगा, ओके। नाउ डेज, आजकल जो मैनी होम बायर्स हैं, जो बहुत सारे लोग घर खरीदने वाले हैं, इंटरेस्ट है उनका किस में, इन डिजिटल होम। तो नाउ डेज आ गया ना आजकल, तो प्रेजेंट में बनाएंगे उसको, तो प्रेजेंट में यू नो सो तो आएगा ही नहीं, मतलब कोई ऐसी तो है नहीं कि रोज़ ही हो रहा है ये काम, पर्टिकुलर हैबिट है कि सो ही आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मतलब काम चल रहा है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के साथ, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूटी में बनाएंगे। आजकल जो है बहुत सारे होम क्या कर रहे हैं, मैनी होम बायर्स दिखा रहे हैं अपना इंटरेस्ट किस में, डिजिटल होम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स डोंट हैव लाइट, प्लांट्स का ना खुद का अपना क्या नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता, प्लांट्स डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ओके। नेक्स्ट, कल्प्रिट शुड नॉट बी अलाउड, जो कल्प्रिट है ना गुनहगार, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए इजीली, क्या इजीली उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो क्या हो जाए, बच के भाग के निकल जाए, गेट अवे, यू नो स्केप, यू नो स्केप, यू नो बच के निकल जाते हैं ना कुछ लोग, तो कल्प्रिट्स को ऐसा अलाउ नहीं होना चाहिए। द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट, यू नो ग्रेट ऑफ देयर टीचर्स, यू नो जब हम लगाते हैं, द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट ऑफ देयर टीचर्स, यू नो जब हम किसी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिखाते हैं, टू सो ग्रेट रेस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, यू नो रेस्पेक्ट दो तरह का होता है, एक तो किसी को एडमायर करते हैं और एक डर से रेस्पेक्ट करते हैं किसी का हम, यू नो तो स्टूडेंट क्या है, ग्रेट ऑ में है ऑफ देयर टीचर्स, अपने टीचर्स के लिए, याद रखना है ये मीनिंग, ओके। साउथ अफ्रीका ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, साउथ अफ्रीका क्या हो गई, सब आउट हो गई, तो साउथ अफ्रीका की बात नहीं चल रही है देश की, उसकी जो देश की टीम है उसकी बात चल रही है, टीम की, तो टीम की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब क्या जाएगी, यहाँ पे वर आ जाएगा, साउथ अफ्रीका वर ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, और हमने पास्ट क्यों लगाया, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है, न्यू सेकेंड फॉर्म आ रखी है, तो यहाँ पे वर लगाएंगे, ओके। हंड्रेड ऑफ पीपल वर किल्ड, सैकड़ों लोग मारे गए किससे, आप बताओ क्या आएगा, यहाँ पे बाई को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन, किससे मारे गए, अर्थक्यूब में, यू नो भूकंप में, हंड्रेड ऑफ पीपल वर किल्ड इन द अर्थक्यूब, अर्थक्यूब, ओके। रेखा, रेखा ने क्या किया, हॉस्पिटल सेवरल टाइम्स, बहुत बार विजिट किया ना उसने, तो क्या लगाएंगे, हैज विजिटेड, उसने विजिट किया है हॉस्पिटल को सेवरल टाइम्स। सी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, ये ठीक लग रहा है आपको, ये इसको करेक्ट ऑर्डर में करें, करेक्ट ऑर्डर में कैसे हो जाएगा, सी डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, ये ठीक लग रहा है, अब ये ठीक लग रहा है, सी डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, ओके। लुईस आउट ऑफ स्प्रिट, आउट ऑफ स्प्रिट होता है मतलब जैसे वो आउट ऑफ स्प्रिट है फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए आफ्टर हिज डिफीट, अपनी हार के बाद, यू नो थोड़ा कैसा है, ग्लूमी है, दुखी है वो, मिजरेबल कंडीशन में है,
ओके ही हैज़ रीच्ड प्रेजेंट पोजिशन इन हिज जॉब, जो अपनी प्रेजेंट पोजिशन में पहुँचाना है जॉब में, थ्रो एल्बो ग्रीस, यू नो अपनी उसने एल्बो ग्रीस, समझ गए आप, समझ गए होंगे। तो किससे पहुँचा है? एल्बो ग्रीस यानी कि एक फ्रेज है ये, अपने हार्डवर्क से पहुँचा है अपनी पोजिशन जो उसकी प्रेजेंट पोजिशन है। एट लास्ट आखिर में जो रॉयटर्स हैं वो क्या है, क्या हो गए? फेल बैक, वो पीछे हट गए, उपद्रवी। ओके तो जो राइटर्स हैं उपद्रवी वो क्या हो गए? फेल बैक, पीछे हट गए। ओके थैंक यू।